और मन भी थोड़ा उदास था दोस्तों, मतलब कि दो ब्लॉग हम लोग को डिलीट करना पड़ा, उसमें बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और पापा भी आप लोगों को नहीं बताए मतलब क्यों हम लोग को डिलीट करना ऐसा करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम हाजीपुर आ गए हैं और हाजीपुर लोडिंग के लिए आए हुए हैं। काफ़ी गाड़ी यहाँ पे शायद बताया गया है कि नंबर तो अपना है ही है, हम लोग वहीं पर खड़ा थे, दो तीन बार से फ़ोन आ रहा था कब आ रहे, तो हम दोनों गाड़ी आ गए हैं। और कटक का हमारा बात हुआ है, यहाँ से कटक जाना है। और दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि आप लोग दो दिन आप लोग मेरा ब्लॉग नहीं देख पाए तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि हम लोग नेपाल गए थे और नेपाल से फिर वापसी आए थे, तो कुछ वहाँ पर हमारे साथ समस्या ऐसा हो गया था कि वो अपलोड नहीं हो पाया था ब्लॉग वहाँ पर नेटवर्क के चक्कर में। और फिर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमारा दोनों वीडियो हम लोग को डिलीट करना पड़ गया। तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे कहाँ हुआ क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसा हमारा घटना घटा और ऐसा स्थिति में थे कि हम लोग को ब्लॉग को मतलब डिलीट करना पड़ा, तो और कोई चारा ही नहीं बचा था। किसी का नाम लेकर किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर तो आना जाना है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम बनेगा फिर अच्छा से बनेगा। और दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अब जाके फिर ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब हम लोग सो गए थे और दिन भर कुछ करने को था भी नहीं और गाड़ी भी हमारा लोड नहीं हुआ और मन भी थोड़ा उदास था दोस्तों, मतलब कि दो ब्लॉग हम लोग को डिलीट करना पड़ा, उसमें बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और पापा भी आप लोगों को नहीं बताए मतलब क्यों हम लोग को डिलीट करना ऐसा करके, वो अभी भी हम भी नहीं बता सकते, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, जैसे कि मतलब कुछ हुआ और वीडियो हमने डिलीट किया और उनके बारे में फिर बताया तो उनका भी नाम खराब होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मतलब अभी कुछ समय अगर बीत जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग जरूर बता देंगे ऐसा क्या हो गया था कि मतलब दो दिन नहीं डाले। और अब तो आप रेगुलर रहेगा, आपसे वीडियो रोज बनाएंगे और रोज रेगुलर वीडियो आता ही रहेगा, जो दो दिन नहीं आया उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, पर अब कंटिन्यू रहेगा। तो अभी पापा गए हुए हैं बाहर थोड़ा सब्जी वगैरह लाने के लिए और रोहित भी थोड़ा घूम रहा है बाहर में ही, तो देखते हैं अब वो लोग आएगा तो फिर अभी खाना वाना भी बनाना स्टार्ट करेगा। दोपहर में हम लोग बाहर ही खाना खाए थे दोस्तों, अभी रोहित भी वापस आ गया, देखिए, और कुछ गया था सब्जी और फल वगैरह लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों अभी गया था केला और सब्जी लाने के लिए, तो केला मिल गया बढ़िया तो ले आए, और सब्जी भी तो बढ़िया मिला, हरा सब्जी मिला, पटल उटल मिला है, टमाटर वमाटर लेके आए हैं। तो आज हम लोग का पटल का भुजिया बनेगा और रोटी बनेगा खाना आज हम लोग का, तो वही कल आई का दिन में हम लोग आज खाना नहीं बना पाए थे, वही दिक्कत हुआ था। अभी हम लोग खाना बनाएंगे शाम को, कहे कि आज जरूरी था फैक्ट्री आना, तो वही फैक्ट्री आ गई है। अब देखिए आज तो लोड नहीं हुआ, कल लोड होगा। दोस्तों अभी खाना बनाना स्टार्ट हो चुका है, देखिए पूरा कट गया है, ये पटल का सब्जी बनेगा, ये भुंजिया बनेगा ना, पटल का भुंजिया, और इधर सब कुछ काट लिए हैं और ये अभी डाल दिया इसको गाड़ी में। दोस्तों अभी खाना तो बना रहे हैं, अभी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है देखिए चार्जिंग का, यहाँ भी जो फोन चार्ज करते हैं ना बहुत स्लो चार्ज होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है, यही बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। फोन को देखिए अभी चार्ज लगा दिए, यहाँ सीट के पीछे रखना पड़ता है फोन, चार्ज लगा दिए, अभी 2 घंटा लग जाएगा इसको चार्ज होने में, घर में आधा घंटा में भी चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों अभी रोहित ही खाना बना रहा है, देखिए पापा तो अभी बाहर गए हुए हैं यहाँ बाहर, तो देखिए यही चढ़ गया है, यही सब्जी बनेगा अभी, रोटी बनाना बाकी है। देखिए दोस्तों तो हम तो सोचे थे दूसरा कुछ और हो गया दूसरा कुछ, काहे कि हम सोचे थे लोड होगा तो जामतड़ा होके जाएगा गाड़ी, लेकिन जा रहा है हजारीबाग होके जाएगा रामगढ़, जामतड़ा होके जाता तो एक थोड़ा खुश रहते। तो अभी आया रामगढ़ जा रहे तो वो भी ठीक ही है, लेकिन एक बात बताइए, ऐसे कमेंट भी आता है कि रामगढ़ जाते हैं तो आप मतलब रोहित को घर क्यों नहीं लेके जाते हैं, तो जाता क्या नहीं है वो बता पहले। नहीं जाते, इसे नहीं जाते हम, मतलब दोस्तों हम लोग इसको इतना मतलब जबरदस्ती इसको ले जाते फिर भी नहीं जाता, पता नहीं कहा है, उधर जाते घुमाने के लिए ले जाते तब भी नहीं, कहीं नहीं जगह आएगा, गाड़ी में सिर्फ बैठा रहता है। वही दोस्तों हम सोचे थे जामतड़ा जाने के लिए तो जामतड़ा जा नहीं पाए इस बार, का है कि हाँ पूजा था काली पूजा हम लोग का जामतड़ा में, वही सोचे थे जाएंगे जा नहीं पाए, ठीक है अभी नहीं जा पाए तो फिर नेपाल का लोड करवाएंगे, टेंशन नहीं है। देखिए दोस्तों अभी मेरा पटल भुजा रहा है, पटल भुजाने के बाद मिर्चा प्याज डालेंगे और रोटी बनेगा, आज का सादा खाना यही है हम लोग का, कल बनाएंगे, संडे है कल कुछ बनाएंगे देखेंगे। दोस्तों अभी गाड़ी में मेरा खाना बन रहा है और हम लोग खड़े हैं अभी। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे जो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं कंटेनर, ये कंटेनर जो है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो इस पर हम देख रहे हैं कि इसका भाड़ा भी ठीक मिल जा रहा है और माल 2-4-5 टन ही भरना है और खर्चा भी उतना नहीं है, इसका पोल टैक्स भी कम लगता है और डीजल का एवरेज तो खैर अच्छा है ही है, 5 से ऊपर ही देता है एवरेज। तो आने वाला समय में हमको लग रहा है कि मतलब कंटेनर ही चलेगा रोड में, और हमारा भी मन कर रहा है कि अगर हम आगे चल के कभी गाड़ी ले तो कंटेनर ही लेंगे, इस टाइप का हमारा ही विचार हो रहा है।
क्योंकि इस पर मतलब उतना कोई टेंशन नहीं लग रहा, बोझसन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वही मतलब हाइट के लेके तार तूर का है, तो जब पता करना पड़ता है कि जिस रोड पर कंडक्टर चलता है उसी रोड पर ही जाता है गाड़ी ये सब, क्योंकि ड्राइवर लोग से मिल रहे तो ये सब पता चल रहा है अभी हमको। तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि भाड़ा, जैसे कि अब हम डाला गाड़ी चलाते हैं तो हमको पहले का आइडिया था कि हर चीज़ पर टन के ऊपर है भाड़ा लगता था, कभी फिक्स मतलब हम गए नहीं, मतलब टन के ऊपर लगता है, जितना टन आपका पासिंग उतना आप लेंगे। इसमें क्या है कि फिक्स भाड़ा आपको मतलब 50,000, 60,000, 55,000 जो भी दूराई के हिसाब से, और माल के ऊपर कोई मायने नहीं रखता है, माल या तो 4 टन हो जाए, 2 टन हो जाए, 500 kg हो जाए, और जितना पासिंग उतना उसके अंदर ही रहेगा, उसके ऊपर तो नहीं भरना है, खैर उसके अंदर ही रहेगा। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि आपको मतलब मुँह पर बोल दिया कि वहाँ का भाड़ा 55,000, 60,000 दूराई के हिसाब से, और वजन से कोई मतलब नहीं, वजन चाहे 500 हो 200 हो मतलब अंडरलोड के नीचे ही रहेगा। तो यही सब हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है इस गाड़ी पे, और अपना देख ही रहे हैं कि लोड होने के बाद सीधा गेट बंद करते हैं और अपना ताला मारे, लॉक मार दिया, कंपनी वाला लेके चल गए, और रास्ता में भी कोई बारिश का टेंशन नहीं है। और डाला गाड़ी में क्या होता, थोड़ा सा बारिश ज़्यादा होता था तो टेंशन भी रहता था कि यार माल कहीं बैठ गया तो रास्ता दब गया, तिरपाल दब गया तो पानी जम गया, कहीं से लीकेज वेज हो गया तो माल भीग गया, ये सब के लोगों को दिक्कत हो जाता था। तो दोस्तों हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि डाला मतलब गाड़ी ख़राब है, वो भी सही है अपने जगह पर। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना वाना बनता है, अभी खाना वाना खाते हैं। दोस्तों रात का 9 बज गया है और हम लोग का देखिए आज का खाना है भिंडी, भिंडी भुजिया। तो अभी गर्मी में यही सब भुजिया वही खाते हैं, अच्छा लगता है। भुजिया नहीं है, पटल भुजिया है। अच्छा अच्छा, पटल पटल भुजिया बनाया है, लाए हम ही, तो दिमाग से उतर गया क्या चीज़ भुजिया है। दोस्तों हमारा गाड़ी अभी लोड नहीं हुआ है, कल संडे से फर्क नहीं पड़ता है, उस कंपनी में बात हुआ हमारा, हमको भी टेंशन था कि कल संडे फिर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बात हुआ तो बोला कि नहीं संडे से कोई फर्क नहीं पड़ता उस कंपनी में, अब बाकी दूसरे कंपनी में है फर्क, लेकिन उस कंपनी में फर्क नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, हम कल मेरा हो जाएगा, और कुरकुरे लोड करने आए हम लोग, और उड़ीसा का लोड करने आए हैं, तो कल ही मतलब लोड हो जाएगा। ऐसे रात में उम्मीद है तो रात में हम बहुत कम ही उम्मीद रखते हैं, बोलता तो है ये लोग, रात में हम बहुत कम ही रखते हैं उम्मीद, सुबह ही फिर लोड होगा कल मेरा। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना वाना खाते हैं। दोस्तों अभी मेरा खाना पीना हो गया, अब चले सोने के लिए, अब देखते हैं अगर रात में लोडिंग होगा तो फोन करेगा तो जाएंगे लोडिंग कर ले, तो कल सुबह से रात का हमको वो पहले ही बता चुके हैं कि बहुत कमी उम्मीद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते रहे नेक्स्ट लोग, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।